इस पाठ में लेखक ने लखनवी अंदाज में कुछ ऐसी बातें कही हैं जो हमें जीवन में प्रेरणा देती है। जीवन में किसी प्रकार का दिखावा नहीं करता है। अतीत का जीवन बुद्ध है, वर्तमान में जो जीवन है उसमें आप सामान्य और सरल होकर जीने का प्रयास कीजिए। दिखावा जीवन में दिखावा किसी प्रकार से भी उचित नहीं। एक समय था लखनऊ के नवाब हुआ करते थे, उनका उनकी उनके जीने का एक नया एक दूसरा अंदाज होता था, उनके काम करने का एक दूसरा अंदाज। लेकिन वर्तमान समय में परिस्थितियां बदल गई और इन परिस्थिति बदले हुए समय और परिस्थितियों के अनुसार हमको जीवन जीना चाहिए। तो लेखक यशपाल जी को अधिक दूर तक यात्रा नहीं कर रहे, किंतु भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में वो कुछ सोचना विचारना चाहते थे। इसलिए वे एक ट्रेन में चढ़ गए और वे चाहते थे कि मैं एकांत के इन क्षणों में कहानी अपनी कहानी के संबंध में कुछ विचार करूं और तुर्की के बाहर प्रकृतिक दृश्यों का भी आनंद लो। ये सोचकर उन्होंने सेकंड क्लास की क्लास का टिकट लिया और गाड़ी पर चढ़ गए। गाड़ी छूटने ही वाली थी, लेकिन सेकंड क्लास के एक डिब्बे को खाली समझ कर उसमें चढ़ गए। लेखक का अनुमान था कि डिब्बा खाली होगा पर उसमें लखनऊई नवाब सब एक सफ़ेद पोश सज्जन पहले से पालती मार कर बैठे थे। उनके सामने बिछे तौलिए पर दो कीड़े रखे थे। लेखक के यूं अचानक डिब्बे में आ जाने से नवाब साहब को अच्छा नहीं, बहुत असंतोष हुआ। शायद वे चाहते थे कि उन्हें मेरा खाते कोई ना, नवाब साहब ने लेखक के प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाया। लेखक ने भी आत्मसम्मान बचाने के लिए आंखें चुराई। खाली बैठकर कल्पना करना लेखक की प्रवृत्ति, खाली बैठकर कल्पना करना लेखक की प्रवृत्ति आदत है। लेखक नवाब साहब की अस्मिता और संकोच को आप गए। उन्होंने सोचा नवाब साहब ने भी अकेले में यात्रा करने में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट लेने का विचार बनाया होगा और वे नहीं चाहते कि कोई उन्हें से सेकंड क्लास के डिब्बे में यात्रा करते हुए देखे। अकेले में वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे पर किसी और के सामने खीरे कैसे लखनऊ के नवाब है, खीरा जैसे साधारण चीज अगर खाए तो उसके लिए बेजते हो, वो किसी के सामने कैसे उन साधारण खीरे को खाए। नवाब साहब थोड़ी देर तक खिड़की के बाहर देखते रहे, फिर अचानक लेखक को संबोधित करते हुए कहा, आदाबस जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। लेखक और नवाब साहब में अचानक ये बदलाव अच्छा नहीं लगा। उन्होंने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, शुक्रिया किबला शौक था। नवाब साहब ने कुछ देर खिड़की के बाहर देखा और फिर तौलिया छाड़ कर सामने बिछा दिया। सीट के नीचे से लोटा निकाल कर खीरे को खोया, जेब से चाकू निकालकर खीरों के सिरों को काटकर उसका झाग निकाला, फिर छीलकर उसकी आंखों को करों में सजाते हुए नवाब साहब ने उन खीरों की आंखों पर लाल मिर्च और नमक छिड़क दिया। इस प्रक्रिया में रसा स्वादन की कल्पना प्लावित हुई। खीरे को देखकर उनके मुंह में पानी आ रहा था। लेखक सोच रहा था कि राइस बनने वाले नवाब अब अपनी असलियत पर उतर आए। राइस जो थे पुराने से जो नवाब थे, राइस थे
उनका जीवन स्तर बहुत अच्छा था, खान पान भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो समय बीत गया। अब समय बदल गया है, अब उनका पतन हो चुका है, वो एक साधारण मानव की श्रेणी में आ गए। लेकिन सोच आज भी ऐसी जैसी रईस नहीं है, रईसी का दिखावा करते, नवाब नहीं है लेकिन नवाबी गुण भी करते, नवाबी दिखावा कर रहे हैं। तो रईस बनने वाले नवाब आप अपने असलियत पद तक आए। नवाब साहब ने एक बार फिर लेकर जोर देखा और कहा, वल्लाह शौक फरमाइए, लखनऊ का पानी हीरा है। नमक में छिड़क जाने से ताजे खीरे की फाँक और पानी उभरने लगा था। इसे देखकर लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था, पर लेखक इसके लिए पहले मना कर चुका था। अब आपका सम्मान बचाने के लिए उन्होंने उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मेरा पाचन भी कमजोर है, मैं नहीं खा पाऊंगा, सॉरी। नवाब साहब ने लचाई आंखों से खीरे की फाँकों को देखा, खिड़की से बाहर निकल उन्होंने गहरी सांस ली, एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए, सूंघा, खीरे को सूंघा, आनंदित हुए, मुंह में पानी आने लगा और पानी को गले के नीचे उतारा और फाँक खिड़की से बाहर ले गया। नवाब साहब ने खीरा खाया, खीरा उठाया, होठों तक लगाया, सूंघा है, और बिना खाए ही उन्होंने तृप्ति जैसा अभिनय किया और उसके बाद उसको बाहर फेंक दिया। फिर वे एक करके फाँकों को नाक के पास ले जाते, सूंघते और खिड़की के बाद फेंकते। नवाब साहब ने खीरे की फाँकों को फेंक कर तौलियों को हाथ में पूछा और लेखक की ओर गर्व से देखा, मानो खीरे का नवाबी तरीका समझा रहे कि नवाब खीरे जैसे साधारण चीज को नहीं खाते, उनके खाने का तरीका ही दूसरा है। फिर वे इस तैयारी को इस्तेमाल से उत्पन्न थकान मिटाने के लिए लेट गए। लेखक ने गौर किया कि खीरा खाने का यह तरीका असल है, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से क्या पेट भर सकता है, खीरे की सुगंध और स्वाद मात्र से क्या पेट भर सकता है, व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है, पर इससे उधर तृप्ति संभव है। तभी लेखक के नवाब साहब के टकराने की आवाज आई, खीरा खाए नहीं फिर भी टकरा रहे हैं और ये जता रहे हैं मानो खीरे से अपना पेट उनका पेट भर गया। नवाब साहब ने लेखक की ओर देखकर कहा, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे का बोझ डाल देता है। यह देख लेखक के ज्ञान चक्र खुल गए, उन्होंने सोचा यदि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर सकता है, उन्होंने सोचा कि यदि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भर सकता है तो बिना घटना विचार पात्र के बिना कहानी भी तो लिखी जा सकती। इस प्रकार इस कहानी में नवाबों की नवाबी का दिखावे पर वर्णन करते हुए व्यंग्य किया है। एक लिए कथानक कथा वस्तु विचार घटना पात्र महत्वपूर्ण है, इसके बिना कहानी की रचना नहीं की जा सकती, कहानी इन तत्वों का होना जरूरी है। तो इस लेसन में क्या बात मुख्य रूप से कही, लखनवी अंदाज एक व्यंग प्रधान रचना है, इसमें झूठी सांड बनावटी जिंदगी जीने वालों पर करारा व्यंग किया गया। यहाँ लेखक ने पतनशील सामंती पर करारा कटाक्ष किया, यहाँ लेखक ने नवाब साहब पर व्यंग किया है, वे अपनी बनावटी जीवन शैली के कारण खीरे को सूंघ कर पेट भर लेते हैं, झूठी सांड दिखाने के कारण वे खीरों को खा भी नहीं पाते, झूठी सांड दिखाने के वे चाह कर भी खीरे को खा नहीं पाते। नवाब साहब अपने को विशिष्ट खास और दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं, यह दिखाने के लिए वो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं।
लखनऊ के नवाब बहुत विचित्र होते थे, वे सम को बहुत अधिक कोमल और सफाई पसंद, सज्जन, सभ्य, श्रेष्ठ मानते थे। वे अपने गुणों को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के आदि थे। लखनवी नवाब अपनी आन बान शान को सर्वोपरि मानते थे। वे नफासत और नजाकत दिखाकर सम को दूसरों से ज्यादा सभ्य, श्रेष्ठ, योग्य, श्रेष्ठ खानदानी साबित करना चाहते थे। नवाब साहब के व्यवहार में झुकी साह और मनौतीपन दिखाई देता है। लेखक ने इस पाठ से यह संदेश दिया कि मनुष्य को अपने जीवन में दिखावा नहीं करना चाहिए, यथार्थ के धरातल पर रहकर ही जीवन जीना चाहिए। दिखावे से हानि हो, दिखावे से व्यक्ति अनेक प्रकार के संकटों और मुसीबतों में फंस जाता है। सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट नहीं भर सकता। पेट भरने के लिए खाना खाना जरूरी है, बिना खाए पेट नहीं भरा जा सकता। लेकिन नवाब यहाँ इस पाठ में ऐसा अभिनय करते हैं, वे सुगंध से हीरे की सुगंध लेकर होठों तक लगाकर पेट भरने का अभिनय करते हैं। तो इस प्रकार झूठी शान, दिखावा, बनावटी जिंदगी पर व्यंग करते हुए लेखक ने हमें यह संदेश दिया है कि जीवन में यथार्थ की धरातल पर हमें जीना है। आज की बदलती परिस्थितियों को दिखावटी बनावटी जीवन शैली में जीवन का निर्वाह संभव नहीं है। सरल, सहज, गतिशील, आडंबर रहित जीवन जीना आवश्यक है। हीरा एक आसानी से उपलब्ध होने वाली वस्तु, एक सामान्य वस्तु है, जिसे सामान्य व्यक्ति या इसे नवाब लोग सामान्य व्यक्तियों का खाद्य पदार्थ समझते हैं। नवाब के संकोच का कारण यह था कि वे शहर के किसी सज्जन व्यक्ति के साथ हीरे जैसा सामान्य खाद्य पदार्थ कैसे खाए। नवाब साहब को यह जच नहीं रहा था कि कोई उसे कीड़ा खाते हुए देखे। जब लेखक ने नवाब को हीरे को सुगंध मात्र से अपना पेट भर लेने का अभिनय करते हुए देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। क्या बिना खाए संतुष्टि हो सकती है? ऐसा संभव है? नवाब साहब अपने बनावटी ऐसी से लेखक को प्रभावित करना चाहते, उनके अंदर घमंड, दिखावे के प्रति अहंकार, नवाबी शान, खानदानी तहजीब, लखनवी नफासत, नजाकत दिखाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने आम आदमी का खीरा नहीं खाया, बल्कि उसकी सुगंध और स्वाद से पेट भर लिया। नवाब साहब इस बात पर गर्व है कि वे खीरे की सुगंध और स्वाद कल्पना से ही संतुष्ट हो गए, इसलिए उन्होंने आम आदमी की तरह खीरा नहीं खाया, बल्कि उन्होंने खीरे को खिड़की से बाहर फेंक दिया। वे ऊंचे लोग की ऊंची पसंद का भाव रखते हैं, उनकी बातें ही कुछ और। अंत में लेखक ने नवाब साहब के तौर तरीकों और उनके खान पान को देखकर अपना सिर झुका लेते हैं। उन्हें मानना पड़ता है कि नवाब साहब बहुत कोमल, सभ्य, श्रेष्ठ और दुर्लभ प्राणी हैं, जो खाद्य पदार्थ की सुगंध मात्र से पेट भर लेते हैं। इस प्रकार यह लेसन समाप्त होता है। आप इस लेसन को पढ़िए और इसके प्रश्न उत्तर को समझने का प्रयास कीजिए। आपके पास जो भी गाइड, जो भी सहायक पुस्तक है, उससे प्रश्नोत्तर 1 से लेकर 10 तक बनाइए और उसे एक बार लिखने बार जरूर पढ़िए। जब स्कूल खुलेगा तब हम आपके सभी प्रश्नों की जांच करेंगे। किसी भी गाइड से आप प्रश्नोत्तर लिख सकते हैं। अब हम आपको चौथा लेसन है, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। चौथा लेसन पर ध्यान दीजिए। चौथा लेसन है तुम्हारा मानवीय करुणा की विवेचना।